नमस्कार, जन सरोकार मंच टॉक के मंच पर आज उपस्थित हैं देश की जानी मानी लेखिका और बहुत कम दिनों में लेखकीय विधा को छूने वाली, हर विधाओं को छूने वाली प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, समीक्षक, आलोचक, उपन्यासकार हमारे बीच उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर राशि सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कम दिनों में आपने लेखकीय यात्रा के कई पड़ाव को पार कर लिया है और आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। आज हम जानेंगे इनके बारे में, इनके लेखकीय विधाओं के बारे में, इनकी लेखकीय यात्रा के बारे में, एक रचनाकार के जीवन में आने वाली झंझावातों के बारे में और बात करेंगे इनके रचनाओं के बारे में जो अभी देश के साहित्यिक पटल पर बड़ी तेजी से उभरी है। उन रचनाओं पर हम बात करेंगे। उनकी किताबें मेरे पास है, इनकी और भी कई रचनाएं हैं जिन पर हम लोग आज बात करेंगे। स्वागत है राशि जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार सर, और आपके इस जन सरोकार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर ये मान दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो दौर है वो कह सकते हैं कि लेखिकाओं का शोधकाल चल रहा है। बहुत सारे लेखिकाएँ आ रही हैं इस फील्ड में और उसमें आप तेजी से उभरी हैं, तो सबसे पहला सवाल कि साहित्य की ओर रुचि कैसे आई? एक साधारण सी पढ़ने लिखने वाली लड़की, यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की किताब कैसे लिखने लगी? जी बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि साहित्य की रुचि मेरे अंदर मम्मी के पेट से ही थी, क्योंकि जिसने मुझे धारण कर रखा था उसने बहुत पहले ही शब्दों को धारण कर रखा था, और जिन्होंने शब्द धारण कर रखे वो संवेदनाओं को धारण कर रखती हैं, और माँ बच्चे का संबंध संवेदनाओं भावनाओं से चलता है, तो वो शाब्दिक संरचना संवेदनाओं के माध्यम से कोख के भीतर से मेरे अंदर बिल्कुल आ गई। माँ से आविर्भूत हुई साहित्य की यात्रा आपकी शुरू हुई माँ से आविर्भूत हुई, तो मुझे लगता है इसी के चलते आपकी पहली रचना माँ को केंद्रित करके थी, माँ जीवन की आशा करके जो पहला काव्य संग्रह है। जी आप बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा, लेकिन बिल्कुल पहली रचना जो थी तब मैं 3-4 सालों की थी, तो सरस्वती माँ के लिए मैंने एक रचना लिखी थी, वो भी माँ ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो तो हम सभी की माँ हैं और उन्हीं का आशीर्वाद हुआ कि वो जो माँ जीवन की आशा के बारे में आपने बातें की वो मेरे साहित्य के क्षेत्र में जो पुस्तक की यात्रा हुई, पुस्तक के लेखन की यात्रा, उसका प्रारंभिक क्षेत्र है, उसकी प्रारंभिक अवस्था का वो संरचनात्मक स्वरूप है। फिर कैसे बढ़ाइए ये जो सरस्वती वंदना लिखने की इच्छा हुई और आपने लिखा, उसके बाद माँ जीवन की आशा हम लोगों के बीच पहले पुस्तक के रूप में आई, मैंने उसको खुद पढ़ा है, माँ पर केंद्रित रचनाएं हैं और बड़ी सारगर्भित रचनाएं हैं मैंने देखा है, तो इसके बाद सीधे सीधे आपको स्त्री विमर्श पर और अन्य जो विधाएं हैं उनकी ओर आप आकर्षित हुए, ये कैसे हुआ, ये जर्नी आगे कैसे बढ़ गई? मैं इसके पहले थोड़ा सा एक इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगी। देखिए आपने कहा यूपीएससी की तैयारी, तो घर में हमारे बिहार की एक शैक्षणिक परंपरा है, संस्कार है, शैक्षणिक संस्कार है कि अगर आप बच्चे इंटेलिजेंट हैं घर के तो माता पिता को पूर्व निर्धारित योजना होती है कि इसको तो यूपीएससी में डालना है। तो मेरे साथ ये बातें थी बचपन से, आप लोगों की दुआओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से, माँ शारदे के आशीर्वाद से मेरा शैक्षणिक जो क्षेत्र रहा उसमें जो मेरी यात्रा रही हमेशा अच्छी रही, तो पापा मम्मी भैया सभी मिलकर यूपीएससी में भेजे, उन्होंने मुझे भेजा दिल्ली पढ़ने, मैं बाहर बाहर ही पढ़ती रही, तो वहाँ से नहीं होना और उसके बाद घर वापस आना और घर वालों का पूरा सपोर्ट, मानसिक आत्मिक हर तरह से सपोर्ट के बाद भी जो सामाजिक सपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं धिक्कार तिरस्कार ये छिपे होते हैं, वो मुँह पे हो ना हो वो छिपे होते हैं, वो अंतर्निहित बातें हैं। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अब कुछ कर पाऊंगी, लेकिन निराश होना मेरे प्रकृति में शामिल नहीं। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने रचनाओं को लिखना कभी छोड़ा नहीं, जो भावनाएं आती है वो भावनाएं हमेशा शब्दबद्ध होती चली गई। कहते हैं कि प्रेम की सफलता के बाद या प्रेम की विफलता के बाद लोग कवि बनते हैं, कवित्री बनती है, या फिर यूपीएससी में विफल जो होता है वो भी अच्छा लेखक होता है, क्या वही
यहाँ भी अटैच हो गया। देखिए विफलता तो थी लेकिन ये वैयक्तिक प्रेम नहीं, ये संवेदनाओं का सामाजिक परिवेशीय प्रेम था। क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए जब सोचा, घर के ही द्वारा सोचा, तो मेरे अंदर वो ये बात नहीं आती थी कि मुझे खुद को गर्वान्वित करना है, माँ पापा को। मुझे समाज में मैं मुझे याद है जब मैं हॉस्टल के लिए जा रही थी पटना, तो पटना में आप जंक्शन के पास देखेंगे कूड़े का अंबार लगा है। वहाँ पे मैंने देखा कुछ बच्चे, भैया मेरे छोटे भाई हैं ऋषि सिन्हा जी, आदरणीय ऋषि सिन्हा जी, वो मेरे साथ थे, मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो भूखे बच्चे, नंगे बच्चे, वो कुत्तों से छीन कर रोटियाँ खाना चाह रहे थे। और तब मेरे अंदर आया कि इन लोगों के लिए कुछ करना है तो पहले खुद के लिए कुछ करना होगा। तो वो प्रेम समाज के प्रति का ही प्रेम है और वही संवेदनाएं धीरे धीरे मुझे लगता है कि बाद में वही संवेदनाएं रचनाओं में उतरी, अलग अलग विधाओं के माध्यम से मैं समाज को लेकर ही आती रहती हूँ। और जो माँ जीवन की आशा है वो संतान और माँ के प्रति जो एक दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, जो पीड़ा है कि माँ खो ना जाए, वहाँ से शुरू हुई थी ये बात कि तू खो न जाए कहीं, मैं डरती हूँ इस बात से, क्यों जन्म दिवस तेरा आया है। अच्छा, तो ये यहाँ से बातें शुरू, ये वहाँ एक रचना थी, एक रचना जो मैंने रात के अपने आंसू में लिखा था कि माँ चली जाएंगी, पिताजी के बाद मुझे माँ से लगता था डर। तो बस वैसे वैसे एक रचना दो रचना, तो सभी ने कहा कि माँ को मोटिवेट करना है। माँ को मोटिवेट करने के लिए फिर मैंने सोचा कि माँ को ऊपर उठाना है। माँ पिताजी के जाने के बाद बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी अपने लेखनी के क्षेत्र में और वैसे भी हंसना बोलना बंद, तो उनको एक बर्थडे की गिफ्ट थी, का गिफ्ट था मेरी ओर से, तो वो किताब के रूप में मुझे लगता है माँ का आशीर्वाद है। अच्छा, माँ का ही आशीर्वाद है। माँ जीवन की आशा के बाद जो आपकी पुस्तक बाजार में आई और मैंने खुद पढ़ा उसको, काफी मुट्ठी भर धूप उपन्यास है, तो उसमें एक नवीन प्रयोग मैंने देखा। आमतौर पर जो लेखिकाओं का आविर्भाव होता है साहित्य जगत में तो उनकी पृष्ठभूमि में या तो प्रेम होता है या फिर प्रेम के बाद जो विरोधाभास होते हैं जीवन में कई सारे, उस पर केंद्रित होता है। और मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ तो उनका उनकी जो रचना धर्मिता है वो या तो पुरुष सत्ता के विरोध में उभरती है, और लेकिन आपकी सबसे पहली उपन्यास जो है वो पुरुष सत्ता के विरोध में ना जाकर के पुरुष आदर्शवाद को स्थापित करता है, ये कैसे संभव हुआ, ये नवीन प्रयोग है। देखिए जब भी कोई रचनाकार या कोई लेखिका कलम उठाकर भावनाओं को पिरोती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक सोची समझी योजना होती है। ये अंदर से आए भाव होते हैं जो वो आसपास देखकर महसूस करते हैं, वो या तो अनुभव साचा है या अनभय साचा है, कबीर की बातों में आप लेकर चले थे। तो ये जो अनुभव साचा है, ये अनुभव हर लेखिका अनुभव साचा को लिखती, जरूरी नहीं कि मैं स्त्रीवाद में पुरुषों के खिलाफ खड़ी हो जाऊँ। स्त्रीवाद की परिभाषा में पुरुषों के खिलाफ खड़ा होना कहीं नहीं लिखा है, आप मुझे कहीं भी दिखा दीजिए कि आप तो फिर खड़ी हुई बाद में, मैं उस पर आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा अपनी बातें क्लियर कर दूँ। मैं ये स्त्रीवाद के का पक्षधर बनकर पुरुष के खिलाफ होना ये नहीं था। मैंने सोचा आप जब भी कोई चीज़ महसूस करते हैं, जब जब जो जो बातें महसूस करते हैं वो आपकी संवेदनाओं के माध्यम से शब्दों के द्वारा पुस्तक में भाव रूप में संरचनात्मक स्वरूप प्राप्त करते चले जाते हैं। ये किसी भी लेखिका का मूल रूप यही होता है, लेखक का मूल रूप यही है कि उसने जो महसूस किया, चाहे वो उसका व्यक्तिगत उसका की अनुभूति हो या फिर लोगों की अनुभूतियाँ हो, वो सबको सहेज कर अपने भीतर शब्दों के माध्यम से पुस्तक में जो आ जाती है बातें, वो हमारी अपनी नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमारी अपनी बातें होती, हमारी अपनी ही होती हैं, आप इस शब्द को विस्तृत रूप में ना सोचें, हमारी अपनी ही बातें होती हैं, लेकिन आप सबकी अनुभूतियों का एक सार होता वो है, समस्तिक होता है। हाँ, लेकिन पुरुष आदर्श नहीं, ऐसा तो है नहीं समाज में। पुरुष आदर्शवाद है, आप विवेकानंद को देखिए, परमहंस को देखिए, बहुत सारे अभी आधुनिक रूप में भी देखिए, बहुत सारे पुरुष आदर्शवाद। तो हम कह सकते हैं कि जो राशि है, राशि ने जब इस फील्ड में कदम रखा तो वो बिना किसी वाद से प्रभावित होकर के सीधे सीधे रचना धर्मिता के साथ ये बाजार में उतरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने संवेदनाओं को परोसा है, मैंने किसी वाद के साथ अपने आप को खड़ा किया ही नहीं। बात जब संवेदनाओं की आती है
तो मैंने पढ़ी है आपकी एक और पुस्तक है, उस काव्य संकलन है वेदनाओं के उच्च स्वर में, वो मेरे साथ है। मैंने इसमें वेदना की बहुत सारी पंक्तियाँ देखी है, वेदना के बहुत सारे क्षणों की विभूति है। तो ये क्या है वेदना का उच्छ्वास, आम पाठकों की नज़र में क्या होगा, अब क्या बताना चाह रहे? देखिए ये बहुत ही मेरे मन के लिए आत्मा के करीब का सवाल किया आपने। ये मुझे लगता है हम परिवार के सभी, वर्तमान जो परिस्थिति है वो परिवार के सभी सदस्यों के आत्मा से एक प्रश्न जुड़ा हुआ होगा, उसके उत्तर भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी होंगे। तो लेकिन मैं उसको बिल्कुल वैयक्तिक रूप से नहीं ले रही हूँ। ये वेदना के उच्छ्वास जो पुस्तक है, मैं कविताएं तभी लिख पाती हूँ, वर्ड्सवर्थ को आपने पढ़ा है ना, दिस इज जस्ट एन स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स। तो कविताएं आप बना नहीं पाते, कविताएं अंदर बनती रहती हैं। कोई भी चीज़ जो भी भाव है, वो जो भी भाव है वो अंदर बनते हैं। मैंने फिर से पिछले सवाल पे जा रही हूँ कि इसीलिए कोई भी लेखक बात के साथ खड़ा शायद नहीं हो पाता। ये पाठकों की बात है कि वो उस तरह से ले लेते हैं, लेकिन न स्त्रीवाद न पुरुषवाद, हम आदर्शवाद स्थापित करने के फिराक में सारी चीज़ों को लिखते रहते हैं, है ना। वो जो दर्द वो जो पीड़ा होती है वो वेदना वो व्यथित, तो ये जो वेदना के उच्छ्वास है, ये मुझे जो आजकल देश में हो रहा है, देश के हर कोने में जो चीज़ें हो रही हैं वो मुझे बहुत व्यथित कर जाती थी। व्यथित करने की ये स्थिति है कि मैंने जब द वेस्टलैंड पढ़ा था, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी नहीं तब, मैंने पुस्तक रूप में मेरी लिखी की बातें नहीं आती थी, तो मैं 3 दिनों तक छटपटाती रही थी वेस्टलैंड पढ़कर, उससे इतनी व्यथित हो गई थी टी एस एलियट को। फिर मुक्ति बोध को जब मैंने पढ़ा ब्रह्मराक्षस में, तो मैं ये मेरी वेदना का ये जो आप बोलते ऑब्जर्वेशन है, तो मैं व्यथित हो जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये अभी तो समाज में हर लोग व्यथित हैं, समाज देश का हर कोना व्यथित है, कहीं स्त्री नग्नता का रूप देख रहे हैं, कहीं पुरुष की छटपटाहट है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं कोख में हत्या हो रही है। तो कुल मिलाकर भी कहें कि ये आपके अपने संवेदनाओं का और समाज में जो घटनाएं हो रही है उससे व्यथित मानवता का समष्टि से व्यक्तिक तक की यात्रा है, जो वेदना के उच्छ्वास में अपने आप ये चली आई बातें। क्योंकि अचानक से हमारे घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना कह लीजिए या जो कहिए, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है, हमारी माँ समान बड़ी दीदी की मृत्यु हो गई अचानक से और हम सभी टूट गए। ये वेदना के उच्छ्वास जो हैं ये मैंने उनके जीवन काल में ही शुरू किया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मुझे उन्हें समर्पित करना पड़ेगा। और दीदी बहुत मौलिक व्यक्ति की स्वामिनी थी, वो छोटी छोटी बातों से व्यथित होकर के, समाज में उनका एक अपना रुतबा था, उन्होंने इतनी मेहनत की लोगों को आगे वेदना से निकालने के लिए, तो वो एक अलग चीज़ थी। तो वो इतना और उनका जाना, तो मुझे लगता है समाज के हमारा तो बहुत बड़ा ह्रास था, हमारे लिए परिवार के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान था, आत्मिक नुकसान, मानसिक नुकसान, भावात्मक रूप से, लेकिन समाज का भी नुकसान था। तो मैं समाज की ही बातों से व्यथित होकर लिख रही थी। तो वेदना के उच्छ्वास में आप जब उच्छ्वास होता है, आप गहरे सांस लेकर अंदर में, आपकी सांसें भी अपने अंदर स्थापित होने के लिए भटकती रहती हैं। वेदना के उच्छ्वास यही प्रक्रिया, वो उच्च पीड़ा का स्वर है। मैंने उनकी पंक्तियाँ पढ़ी है, मैं गुनगुना रहा हूँ। जी जी, मुझे लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए। जी, कोशिश में उफनती ये विषैली लहरें भी, जड़ों को नहीं हिला पा रही, जानती हो क्यों? क्यों? मैं इसका उत्तर आपसे ही चाहूँगा। क्योंकि ये जड़ें बिल्कुल आत्मा की जमीन के और भी अंदर अगर कोई गए है तो वहाँ तक धसी हुई है। दीदी का जाना, ये दीदी के लिए लिखी कविता है, जब हमने उन्हें बिल्कुल मृत्यु, समाज की सारी दीदियाँ हो सकती है, समाज की सारी दीदियाँ ही नहीं, मैंने अपनी इस वेदना के माध्यम से सारे मानवता को जगाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जो मानवता है वो हमारे अपने से जो प्रेम है उसके रूप में अंदर धंसा है, धसी हुई है मानवता की जड़ें। तो ये जो विषैली लहरें हैं, जो उसको हटाने की जो विषैली लहरें हैं जिनसे हमारा मन व्यथित होता है, वो कोशिश जो है वो किस लिए, ये व्यर्थ है। फिर हम अंत में वही उन्हीं जड़ों तक लौटेंगे। तो ये इन विषैली जड़ों को मैंने, जड़ों को छूने की कोशिश हुई, बिल्कुल छूने की नहीं, मैंने विषैली जड़ों की ओर सारे जो मानवता से भटके लोग हैं उनको प्रे...
प्रेम के माध्यम से लौटाने का प्रयास किया है कि जो चीज़ें खो गई उनके अंदर से मानवताएं खो गई हैं, संवेदनाएं खो गई हैं, तो ये विषैली लहरें क्यों, उनका कोई ये व्यर्थ है, ये आगे व्यर्थ होने वाली है। ये लौट आओ तुम अपनी आत्मा के भीतर जहाँ पे एक इंसान सच में बसा प्रेम लिए। वेदनाओं के उच्छ्वास ये पुस्तक जब हमारे हाथ में है तो इसमें मैंने देखा है कई सारे दर्शन उपलब्ध हुए हैं, कई सारे दर्शन इसमें दिखते हैं और इसमें कई तरह की रचनाएं हैं जो विविध दर्शन को टच करती है। तो अपनी पुस्तक में दर्शन को लाने की जो प्रक्रिया है क्या है, राशि कहाँ जा रही है? देखिए, आपने कहा कि आपने यूपीएससी की तैयारी की, तो बस यूपीएससी की तैयारी से भी बहुत पहले एक तो घर का माहौल की परवरिश हुई जीवन दर्शन आधारित है, प्रेम भी दर्शन आधारित है, विरह भी दर्शन आधारित है, पीड़ा भी दर्शन आधारित है। तो आप जो वैचारिक श्रृंखलाएं हैं आपके भीतर, आपके शाब्दिक संरचना और वाक्य संयोजन नहीं होते, वो महज वो वैचारिक श्रृंखलाएं जो होती हैं वो आपके अंदर जितने भी दर्शन हैं, जितने भी भीतर जितने भी चिंतन हैं उसमें घूमती विचरती रहती है। अच्छा। तो उसमें घूम कर विचर कर रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में अपने आत्मा के अंधेरे में उसमें उजास फैलाते हुए दर्शन आपके शब्दों में भाव बनकर आ जाते हैं। तो राशि कहीं नहीं जा रही है, राशि अपने भीतर जब मंथन करती है तो उस मंथन में आप लोगों को बहा कर ले जाना चाहती है। सच है कि आप दर्शन के माध्यम से ही संवेदनाओं को आगे ला करके मानवता की फिर से स्थापना कर सकते हैं। वेदनाओं के उच्छ्वास से ही एक और सवाल, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो वेदनाओं के जो स्वर है उसके बीच में रिश्तों की बुनावट का एक अलग चित्रण आपने किया है। उस वो कविता है मेरे ख्याल से रिश्तों का व्याकरण, रिश्तों का भी जो आपने व्याकरणीकरण किया है तो उसकी पंक्तियाँ मैं कह रहा हूँ, बड़ी प्यारी पंक्तियाँ हैं। स्वीकारिता और अंगीकार के व्यंजन, राग देश के समास, पर निंदा रस के भाववाचक। ये कैसे पिरोए आपने रिश्तों का ये व्याकरणीकरण? समास बता रही है, भाव कह रहे हैं, व्यंजना कर रहे हैं, कैसे? ये तो वेदना के उच्छ्वास जो मेरी किताब है वो सिर्फ एक कोने की वेदना नहीं है इसमें, शायद इसीलिए आपके मुंह से बार बार वेदनाओं निकल रहा है क्योंकि ये एक कोने की वेदना नहीं है। आपने पहले कहा समष्टि की वेदना है, समष्टि से व्यक्ति की यात्रा है और हम अंततः व्यक्ति यात्रा में ही लीन रहते हैं, लेकिन जो परिवार है, जो समाज है, वो परिवार से बनता है और परिवार रिश्तों से बनते हैं और रिश्ते आत्मीयता से सजते हैं और आत्मीयता के लिए भाव आवश्यक है। और मैंने व्यंजन का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है और स्वर व्यंजन के बिना अधूरा है। जो हम बिल्कुल एक व्याकरणिक समीकरण की बात करें तो हमारे रिश्तों का जो स्वर है वो भाव है, भाव है, और आत्मीयता है वो व्यंजन है। क्या इन भावों की कमी आपको रिश्तों में नहीं दिखती आजकल? ये छटपटाहट भी मेरे अंदर है। तो मैंने इसी आत्मीयता और भाव के व्यंजन और स्वर को एक व्याकरणिक समीकरण देकर रिश्ते की बात कहने की कोशिश की। बढ़िया जी, ये अच्छा है। आपकी एक और पुस्तक है जो आपने मुझे चर्चा के दौरान बताया कि वो आपने बहुत पहले शुरू किया था, वो प्रकाशन में बाद में गई और प्रकाशित भी बाद में, आपकी तीसरी पुस्तक है मेरे ख्याल से, आखिर टूटना क्यों, ये उपन्यास। तो इसमें जो आप मुट्ठी भर धूप की राशि थी वो सीधे 360 डिग्री बदल रही है और उसमें नारी सत्ता का स्वाभिमान। तो मेरा सवाल उसी से है कि आखिर टूटना के उपन्यास क्या नारीत्व का स्वाभिमान है या फिर पुरुष सत्ता के प्रति तीव्र विरोध है? जी, ये तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है और उचित भी है क्योंकि, लेकिन मैं आपकी की बातों के पीछे चलती हूँ। आपने कहा राशि सारी विधाओं को लिखती है, तो विधाएं जो हैं वो कहाँ से आती हैं? विधाएं समाज से आती हैं, समाज में जो घट रहा है उससे आती हैं और उसके बाद वो विधा का रूप लेती हैं, है ना, छोटे रूप में, बड़े रूप में। तो ये स्त्रीवाद और पुरुषवाद से बिल्कुल परे सिर्फ भाववाद है, यथार्थवाद है, यथार्थ और भाववाद की साम्यता का के स्थापन की कोशिश है और ये स्वाभिमान बिल्कुल नहीं है। ये जो मैंने पुरुष आदर्शवाद की बात अपने मुट्ठी भर धूप में की, क्यों ना करूँ,
आप बताइए ये स्त्री और पुरुष में क्या सारे, अगर मैं स्त्रीवाद की बात करती तो सारी स्त्रियां क्या यथार्थ में आदर्श का अनुसरण करती हैं? आप देखेंगे मुट्ठी भर धूप में जो चेतना शून्यता है स्त्रियों की, वो मैंने वहाँ पे लिखा है, लेकिन उसमें कुछ एक वर्ग ऐसा भी है जो चेतना शून्यता के बाद भी आत्मसम्मान को बांट, आप अपने अंदर जो आत्मसम्मान बांट रहा है वो पुरुष सत्ता का हस्तक्षेप नहीं चाहता, लेकिन पुरुष सत्ता को इनकार करने के साथ साथ बिल्कुल सादर ढंग से, सादर अनुरोध के ढंग से उनको अस्वीकार करके वो नारियों के साथ खड़े होने का सामर्थ्य रखती हैं। ये आपका आत्मसम्मान है, नारी आत्मसम्मान, ये स्वाभिमान नहीं है, तो ये स्त्रीवाद भी नहीं है, ये साम्यतावाद है, समाज के यथार्थ और आदर्श के बीच का एक संतुलन है। कुल मिलाकर के अभी तक जो बात हमारी आपसे हुई उसमें से मुझे ये लग रहा है कि राशि समझौतावादी हो गई है। क्या आप नारी सत्ता का जो पक्ष है बहुत ज़्यादा लाउड होकर के नहीं ले रही हैं, या पुरुष को, पुरुष सत्ता को नकार भी नहीं रही हैं? अपनी किसी पुस्तक में आप पुरुष आदर्शवाद को प्रस्तुत करते हैं, उसका नायक जो दिखता है वो स्त्री सत्ता का बहुत पोषक है और मदद करता है, तो क्या लगता है कि आप बीच का कोई रास्ता ढूंढ रही हैं, राशि कोई बीच का पथ उन्होंने अपनाया है कि अतिवाद में नहीं जाना है, क्या ऐसा है? देखिए मैंने पहले ही कहा कि लेखन कोई साजिश नहीं है, सोची समझी साजिश, ये एक सहज ये एक सहज भाव है। मैंने समाज के जिस कोने से जो बात महसूस की उसको लिखा है, मैंने जहाँ पे पुरुष को यथार्थ रूप में आदर्श रूप में पाया मैंने वो लिखा, मैंने वो पक्ष दिखाया, पुरुष आदर्शवाद होते हैं, और मैंने जहाँ पर स्त्रियों को देखा कि मुझे स्त्री, वो स्त्री विरोध के स्वर नहीं, वो पुरुष विरोध के स्वर नहीं है, वो सच के स्वर है कि सच के स्वर, बिल्कुल वो सच के स्वर, मैं सत्यता के साथ खड़ी हूँ, मैंने कोई समझौता नहीं किया, कहीं भी कोई समझौता नहीं, मैंने पुरुष को भी उसके खिलाफ स्त्रियों को खड़ा होता आखिर टूटना क्यों में दिखाया कि तुम्हें हस्तक्षेप नहीं, पुरुष सत्ता का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, तुम खुद में काबिल हो, तुम खुद में सामर्थ्य रखती हो, शक्ति तेरे उर बसे, तो फिर टूटना क्यों, आखिर टूटना क्यों। और मुट्ठी भर धूप जो है वो भी स्त्री विरोधी या पुरुष सत्ता की स्थापना के लिए लिखी हुई चीज़ नहीं है, ये घटनाएं घट रही हैं। मुझे याद है मेरे पास अभी भी चिट्ठियाँ, चिट्ठियों का ज़माना नहीं है, पर मुझे चिट्ठी भी आई थी और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि मैम इसने मेरी दीदी दिखाई देती है, मैम इसमें मैं दिखाई देता हूँ, ये जो आखिर टूटना क्यों उसमें मैम मेरी अपने हॉस्टल की कहानी है। तो जब ऐसी ऐसी बातें आती हैं तो इसका मतलब मैं सच नहीं कर रही, इसका मतलब मैं सच को लेकर आपके सामने आ रही हूँ। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई लेखक कलम नहीं पकड़ता, ना स्त्री को ऊपर उठाने के लिए, ना पुरुष को नीचा दिखाने, साम्यता की बात। ये वेरिएशन क्यों होता, क्या है कि आप कहीं पर कुछ दिखते हैं कहीं पर कुछ दिखते हैं, तो ये वेरिएशन कैसे होता है? बिल्कुल सही बात है, जब आप अपने पति से प्रेम करते हैं और उनसे पीड़ा होती है तो वो भावनाओं में वेरिएशन है, जब माँ से पीड़ा मिलती है उसकी पीड़ा अलग है, जब मुझे आपसे पीड़ा मिलेगी तो वो समाज के पत्रकार से मिली पीड़ा होगी, जब मुझे बच्चे से पीड़ा मिलती है वो अलग है, एक बच्चे को जब शिक्षक से पीड़ा मिलती है तो वो अलग है, तो समाज के हर वर्ग ने, हर कोने ने मुझे अलग अलग ढंग से पीड़ित किया, तो मेरी भावनाओं में वेरिएशन आना तो सामान्य। आखिरकार यही बात हुई कि पीड़ा उतरी है, पीड़ा ही उतरती है, पीड़ा मुझे लगता है जब हम बहुत खुशी में होते, प्रसन्न होते हैं तो हम श्रृंगार लिखते हैं, लेकिन जब हम बहुत पीड़ित होते हैं तो हम संवेदनाओं की व्यथा को उकेलते हैं। तो मुझे लगता है एक लेखक जब साम्यवाद की बात कर रहा है, ना स्त्रीवाद में है ना पुरुषवाद में है, दोनों को मिलाकर लिखकर यथार्थ और आदर्श के संयोजन की बात कर रहा है, तो वो अपनी पीड़ाओं को ही लिखता है, अपनी पीड़ाओं को जो वो सबके द्वारा महसूस करता है। भाई बहुत सारे सवाल बाकी हैं मेरे, चर्चा करेंगे आपकी, एक और परिचय है इनका, मैं खुद स्तब्ध रहता हूँ, होता क्या है कि इनकी कोई पुस्तक का लोकार्पण हो जाता है तो उसी दिन कोई पुस्तक आपकी प्रेस में होती है, किसी की प्रूफ रीडिंग हो रही होती है और कोई आपके मेज पर होता है, मतलब एक साथ इतनी सारी तैयारियां आप कर लेती हैं, तीन तीन चार चार पुस्तकें, मुझे जो जानकारी है कि आप चार पांच पुस्तकें आपकी बाहर आने वाली है वो लाइन में है, किसी का लोकार्पण होना है पटना में, ये आपने जैसे बताया मुझे, तो एक उन्हीं में से है सिंधु की लहरें सुनो, ये आगामी पुस्तक है,
तो इसके जरिए क्या आने वाला है समाज में, प्रतीक्षा कर रहा है आमजन भी कर रहे हैं और लेखक के समुदाय भी कर रहा है, क्या देने जा रहे हैं उसमें? जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रतीक्षा हो रही है पुस्तक की। सिंधु किलारे सुनो का एक थोड़ा सा मुझे लगता है काव्य प्रकाशन जब ने जब इसको अपकमिंग बुक में डाला तो वहाँ पे महाराष्ट्र से एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कहीं से मेरा नंबर लेकर कि मैं इसकी इस पुस्तक का मराठी अनुवाद करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद ये शीर्षक देखकर अगर ऐसी बात है तो अंदर की बातों से मुझे और आशीर्वाद मिल सकते हैं। सिंधु की लहरें सुनो जो है वो आप उसको सिंधु का मानवीकरण तो समझ ही सकते हैं, मानवीकरण है क्योंकि सारी प्रकृति मानवीकरण में चलती है और लेखक अंदर से सिर्फ मानवीकरण में ही जीता है। मुझे लगता है ये अलंकार उद्दीपन सभी मानवीकरण के अंतर्निहित होते हैं। तो मैंने इसके माध्यम से प्रकृति को का आह्वान किया है। ये सिर्फ सिंधु की लहरें जो है वो हम सबके भीतर एक सिंधु है, हम सबके भीतर एक सिंधु है और वो लहरें उठती हैं लेकिन हम उसको दरकिनार करके वैयक्तिक चेतना में जीने लगते हैं। हम समष्टि चेतना को दरकिनार करके वैयक्तिक चेतना बड़ी बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और मैंने सिंधु की लहरें सिर्फ एक सिंधु नदी को नहीं का आह्वान करने की कोशिश नहीं की है, मैंने वैयक्तिक चेतना के माध्यम से समष्टि चेतना को आवाहित करने की कोशिश की है कि तुम्हारे अंदर जो लहरें उफनती हैं, फिर से आदर्श की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हमेशा आदर्श की बात भी ठीक नहीं क्योंकि हम व्यक्ति हम इंसान हैं, हम आदर्श में हमेशा नहीं जी सकते, लेकिन एक संतुलन की बात कर रही हूँ जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे, जिससे देश का सृष्टि का प्रकृति का सारा कोना संतुलित रहे। उस आवेग को, उस सिंधु जो आपके अंदर सिंधु की लहरें बसती हैं उसको सुनाने की कोशिश है। तो अगर पाठक इसको सुन ले तो क्या बात है, बढ़िया, खूब अच्छा है। वो आ रही आपकी कुछ और पुस्तकें आने वाली है, ये तो सिंधु की लहरें थी, इसके बाद मुझे जहाँ तक जानकारी है कि बाल साहित्य में बाल साहित्य की बहुत आवश्यकता है और अभी खूब लिखी भी जा रही है जी। आपने मगही में और हिंदी दोनों में और अंग्रेजी में भी चैप्टी वर्ड्स द चैप्टी वर्ड, उसके लिए आप सम्मानित भी हुई हैं कई जगहों पर, कई मंचों पर बड़ा सम्मान मिला है। तो इस ये जो नया बाल साहित्य की जो नई पुस्तक है उसमें क्या दे रही है? देखिए, बाल साहित्य मुझे लगता है कि लेखन की सभी विधाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरी विधा है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है जी। अच्छा, ये जो गैजेट का युग है ना, ये जो तकनीकी युग है, उससे निकलने के लिए बाल साहित्य बहुत ज़रूरी है और सिर्फ लिखना नहीं, उनको बच्चों तक पहुँचाने की भी ज़रूरत है। तो बाल साहित्य में मैं हूँ, बाल साहित्य में अभी एक घमंडी धूप करके मेरी पुस्तक आ रही है। तो घमंडी धूप तो चूंकि धूप ये नाम घमंडी धूप है जी, बिल्कुल बड़ा कौतूहलपूर्वक है जी जी। तो ये किसे बच्चे बिना कौतूहल के आपके पास ही नहीं आते, आपको टॉफी लेकर रखनी पड़ती है, तो ये शीर्षक उनके लिए एक टॉफी है, एक चॉकलेट है घमंडी धूप, ताकि वो किताब की ओर आए कि मम्मी ये धूप घमंडी कैसे हो गई ऐसे। अच्छा, तो घमंडी धूप के भीतर आप बहुत सारी कविताएं देखेंगे, काव्य संकलन बच्चों के लिए छोटी छोटी कविताओं का संकलन है। घमंडी धूप के भीतर जो है वो सद्गुण पे है, मोबाइल पे है, कंप्यूटर पे है, पेड़ पे है, किसान पे है, शिक्षा पे है, ज्ञान के अधिक है, ऐसी ऐसी बहुत छोटी छोटी जो अनुशासन प्रिय कविताएं होनी चाहिए बच्चों को, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूरत है ज़िंदगी के निर्माण के लिए। हम बाल साहित्यकार जब बालकों के लिए लिखते हैं तो ऐसी ही बातें लिखने की कोशिश करते हैं और यही है इसमें घमंडी धूप में। अपकमिंग बुक की बात करें तो एक और आपकी किताब प्रेस में है, मुझे लगता है कि आप जल्द ही लोगों को मिलेगी। आप एक बात मैंने पहले ही कहा था कि आप इस मामले में बड़ी लकी हैं कि आप एक साथ कविता में, उपन्यास में, शास्त्रीय कविताओं में सब जगह हाथ चला रही, कहानी में भी आपकी समभागीदारी है और एक कहानी संग्रह ये आपका आ रहा है मेरे ख्याल से स्वप्न वृक्ष जी। ये स्वप्न वृक्ष किसका स्वप्न है, किसके स्वप्न की बात कर रहे हैं उसमें आप? देखिए, हम जब छोटे होते हैं, जब हमारे भीतर स्वप्न देखने की बातें होती हैं, तो हम परियों की बातें देखते हैं, उससे एक स्टेज पर जब आगे आते हैं तो जीवन इतना विकराल है कि हम अपने जीवन के लिए स्वप्न देखते हैं। हमारे अंदर एक बीज होता है, वो बीज धीरे 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 उसकी शाखाएँ बीज पनपने लगता है, जड़ शाखाएँ सब हमारे भीतर चलती हैं और उस स्वप्न वृक्ष को लेकर हम अपने जीवन के स्वप्न को साकार करने लग जाते हैं। तो मैं फिर कह रही हूँ कि ये समष्टि के स्वप्न
स्वप्न है जो एक पात्र के माध्यम से मैंने डाला है। देवदार के वृक्ष को लेकर के वो अपने भीतर खुद को जोड़कर वो स्वप्न की बातें करते हैं, बातें नहीं करते, वो स्वप्न को साकार करने के लिए उस यात्रा के दौरान कितनी चीज़ें हैं और वो विश्लेषणात्मक विशेषण से युक्त जब वो विश्लेषणात्मक अपने अंदर समीक्षा करते हैं तो वो जो यात्रा है उस पात्र की वो देखना मुझे लगता है थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप उस पुस्तक में ये देने जा रही हैं। बात जब लेखकीय विधाओं की होती है, लेखकीय वाद की होती है, तो फेमिनिज्म की चर्चा अभी नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। तो आपकी एक अंग्रेजी पुस्तक भी आ रही है, फेमिनिज्म द विली, तो इसमें क्या देने जा रही है, ये क्या है, इसके बारे में अगर परिचय बताएंगे तो पाठक। थोड़ा सा इतिहास है इसके पीछे। मुझे एक जगह आमंत्रित किया गया था और बहुत ही अनुरोध अनुनय विनय के साथ कि मुझे मंच पे जाना है, और उनका कार्यक्रम था, एक सेमिनार था, बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं वो, तो उन्होंने मुझे बहुत ही इज्जत मान, तब मुझे काका कालेकर सम्मान मिलने वाला था, उन्होंने दिल्ली में फ़ोन किया कि नहीं बेटा आना है, तो वो फेमिनिज्म पे बातें थी उसमें। फिर मैंने उनका नाम मान रखने के लिए मैंने अपनी ट्रेन की टिकट रद्द कराई, तो मुझे जाना है, उनका मान देना है और फेमिनिज्म पे आर्टिकल लिखा। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अच्छा, बिल्कुल होता है, हाँ, साहित्यिक यात्राओं में ऐसी घटनाएं, मुझे लगता है जीवन की हर यात्राओं में ऐसा होता है, और यही चेतना शून्यता मैंने मुट्ठी भर धूप में लिखी है। ये मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर ये चेतना शून्यता है, ये इंसानों के भीतर जो चेतना शून्यता है वो है ना, स्त्रीवाद है ना पुरुषवाद है, लेकिन मेरे भीतर ये बात, मैं किसी चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, मुझे नहीं उसने ऐसा कर दिया, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तो वो जो फेमिनिज्म था उनका, मैंने मुझे फेमिनिज्म को बोलने के लिए बुलाया था और मेरे आर्टिकल लिखवाया और बहुत सारी बातें की और मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तो मैंने बहुत सरल तरीके से वहाँ पे विदा ले ली। और मेरे अंदर सारे रास्ते पे वो फेमिनिज्म उनका अलग तरह से आता रहा कि ये बिलीफ, मैं उनके ऊपर बिलीव करके गई, तो फेमिनिज्म द बिलीफ का टाइटल वहाँ से निर्धारित हो गया था। लेकिन इसके भीतर जो बातें हैं वो ये हैं कि वॉट इज़ फेमिनिज्म एक्चुअली, वाई इट इज़ नीडेड, why it is needed and what you all the time we used to talk about feminism और feminism में होना क्या चाहिए, ये सारी बातें हैं उसमें। ये दो खंड आप समझ लीजिए कि इसके दो भाग आए। एक भाग तो मैंने feminism, मैंने इसमें विधवा विवाह, बाल विवाह, मुंडन प्रथा, सारी चीज़ों को लेकर मैंने तो छोटा सा रिसर्च करके इसे लिखा है। उसके बाद मैंने डाला है कि तुम्हें सच में feminism को का अनुसरण करना है तो क्या होना चाहिए। फेमिनिज्म का स्टैंडर्ड को कोई निर्धारित कर ही नहीं सकता, आप यहाँ पे फेमिनिज्म की वजह से बैठे हैं मेरे पास। फेमिनिज्म तो कुल निर्धारित है। मैंने फेमिनिज्म नहीं, मैंने उनकी चेतना को लौटाने की कोशिश की है। अच्छा, कि तुम एक बार इतिहास के पन्नों को पलटो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने ऋग्वेद को भी डाला है उसमें, मैंने उसमें स्मृतियों का भी जिक्र किया है, मैंने उसमें बाइबल को भी डाला है, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। एक छोटा सा रिसर्च है, चूँकि मैं इंग्लिश लिटरेचर से भी हूँ तो थोड़ा लाभ मिल जाता है। हाँ, आपकी सोच विस्तृत है, जानकारी है कि आपका विषय इंग्लिश रहा है और आप हिंदी में समान रूप से कलम चला रही हैं, और कलम चला रही दलित चला रही हैं, तो ये भी एक उपलब्धि है। आपके समग्र साहित्य पर हम चर्चा करने बैठे हैं तो समीक्षा को कैसे छोड़ें, क्योंकि आज जो समझ में बात आ रही है, आप लंबी लंबी समीक्षाएँ लिखती हैं, खूब लंबी लंबी समीक्षाएँ, और बड़े जो लेखक हैं, लेखिकाएँ हैं, उनकी समीक्षा अपने हाल में गीताश्री, अहिल्या मिश्र जैसे बड़ी लेखिकाओं की समीक्षा आपने लिखी है, तो थोड़ा समीक्षा का जो आपकी जो दृष्टि है, समीक्षा की दृष्टि के बारे में बताएं, आपकी समीक्षा दृष्टि क्या है। देखिए, आज साहित्य के क्षेत्र में एक बात जो हो गई है वो मतभेद और मनभेद दो बातें होती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मतभेद से ज़्यादा साहित्य और साहित्यकार मनभेद के साथ चल रहे हैं। तो मैंने कोई समीक्षा जब मैंने शुरू की तो मेरे मन में एक बात आती है कि जिसने पुस्तक लिखी उसने अब साधा है इसको, उसने हर शब्द को साधा है, हर वाक्य को साधा है, तो न्यायप्रियता के लिए अगर समीक्षा लंबी हो रही है तो गलत क्या है, हम क्यों नहीं उसे साथ कर समीक्षा लिखे। समीक्षा लिखने का मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि उतना सामर्थ्य नहीं है, मैं पाठ की अभिव्यक्ति कहती हूँ उसे। तो मुझे लगता है कि मनभेद को किनारे करके जब आप किसी की पुस्तक पढ़ते हैं तो हर शब्द आपसे 10 बातें करता है।
हर वाक्य आपसे 10 बातें करता है, करना भी चाहिए, है ना। तो ये आप इसे समीक्षा का विस्तृत रूप कह सकते हैं। मैं हर शब्द पे रुकती हूँ, हर वाक्य पे रुकती हूँ। तो इस तरह से अब जब अहिल्या मिश्र जी, आदरणीय अहिल्या मिश्र जी को मैं माँ बुलाती हूँ, और हम मेरी जैसी बहुत सारी बेटियाँ हैं उनकी, जिन्होंने जिसको उन्होंने अपने आँचल के तले ढक कर रखा है। तो अभी भी उनसे मुलाकात हुई हैदराबाद में। आप रिश्ते निभाती हैं, मुझे पता है, रिश्तों का व्याकरण यही है। हाँ, लिखा भी है जी। तो अभी भी उनसे मुलाकात हुई और मैंने, उन्होंने कहीं मेरी एक समीक्षा पढ़ी और उन्होंने खुद से बढ़कर कहा कि बेटा तुम मेरी किताब पढ़ो। उन्होंने समीक्षा के लिए नहीं कहा, और जब मैंने पढ़ा तो कलम रुकती ही नहीं, चलती गई। तो मैंने 25 पन्ने चेक दी, मैंने 60 पन्ने लिखे हैं। उनकी दो पुस्तकों की समीक्षा लिखी है, उनका अभी 75वां वर्ष दिवस था, अमृत उत्सव कह लीजिए, और वो बड़ा धूमधाम से पूरे देश विदेश के लोगों ने उसमें जमकर हिस्सा लिया। और उसमें अभिनंदन ग्रंथ में मेरी, मुझे लगता है 50-60 पेज मुझे दिए, और दो पुस्तकों की समीक्षाएं हैं। अब मैं गीताश्री जी पे भी आपकी आपकी समीक्षा में एक बात और है जो मुझे दिखता है, आपकी समीक्षा में आलोचना कम और प्रशंसा ज़्यादा। क्या लेखकीय समुदाय इसको स्वीकारेगा, खास करके जो समीक्षक वर्ग है, जो समीक्षा नहीं करते वो एक तरह से दंडित करते हैं लेखक को, कई जगह मैंने देखा है, और उसको वो जरूरी मानते हैं कि इससे लेखक की गतिविधि में सुधार आती है, उसकी जो उसके विभिन्न पक्ष हैं उनकी कमजोरियों को वो बताते हैं ताकि बातें आ सके। आप दूसरी चीज़ कर रहे हैं, आप उनकी बहुत प्रशंसा कर दे रहे हैं, तो क्या ये अति प्रशंसा नहीं हो जाएगी? ये है, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अति प्रशंसा के भाव हैं उसमें। और मैं चाहती हूँ कि अब, इसीलिए मैंने पाठ किया अभिव्यक्ति का नाम दिया, मैंने समीक्षा नहीं कही। मैं चाहती हूँ, देखिए पढ़ने का क्रम छूट गया है, लोग खुद का लिखना और खुद को सुनाना, इन बातों में इतना विश्वास रखने लगे हैं कि पाठकीय अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। ये भी आप इसे विधा के रूप में ले लें। अच्छा, बिल्कुल, पाठक छूटते चले जा रहे हैं। तो जो पाठक छूटते, हाँ मैं प्रशंसा पे आती हूँ, मैं विषयांतर बिल्कुल नहीं होकर बात करूँगी। मैं सोचती हूँ कि जब आपने इतनी मेहनत की, आपने उसे पढ़ा, तो प्रशंसा के भाव आ रहे हैं, तो भर भर के प्रशंसा की जाए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रशंसा करती हूँ, आप उन समीक्षाओं को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर्निहित लयात्मक तरीके से आलोचना भी होती है। ज़रूरी क्या है कि सामने से मैं आपको धिक्कार कर दूँ, आपने इतनी मेहनत की, आपने सच में, और अधिकृत भाव होते भी नहीं मुझे कहीं। मैं ऐसा नहीं कर रही कि जो समीक्षक होते हैं, समीक्षक होते हैं वो अधिकृत भाव रखते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आज ज़रूरत है अति प्रशंसा की। नहीं तो आपने नई लीक ली है, एकदम नई लीक ली है समीक्षा के क्षेत्र में, इसको लोग स्वीकार करेंगे जो पहले समीक्षक वर्ग है? मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप उन्हें स्वीकार कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ मेरी पाठ की अभिव्यक्ति है। अच्छा, वो आपकी पाठ की, ये पाठ की, मैं पाठक के रूप में लिखती हूँ, मैं समीक्षक के रूप में लिखती ही नहीं। लोग अगर इसे समीक्षक मान रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो उनके लिए नवोदित रचनाकारों के लिए आपकी ये समीक्षा और ये जो आपकी समीक्षण शैली है, ये उनके लिए संजीवनी होगी, क्योंकि कई तो लिखने के बाद पहली समीक्षा आने के बाद छोड़ देते लिखना कि भाई भी तो मेरा बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो आपने ये किया है वो तो ठीक है। इसके धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इसे समझा, इसकी ज़रूरत है। हम सिर्फ मंच पर, आज जो मंच के रचनाकार हैं, हम उन्हें साहित्यकार नहीं कह सकते। आप जो पुस्तक का युग विलुप्त हो रहा है, अगर नए नए लोग पुस्तक लिख रहे हैं तो वो डिजर्व करते हैं कि आप उनके वाक्यों, उनके भावों की समीक्षात्मक व्याख्या के तहत उनकी प्रशंसा करें ताकि उनका मनोबल बढ़े। और जो अहिल्या मिश्र जी, आदरणीय अहिल्या मिश्र जी, आदरणीय गीता मिश्र जी जैसी, जो गीताश्री जी, जो जैसी जो वरिष्ठ प्रख्यात लेखिका हैं, उनको हमारी प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है, वो प्रशंसाएँ खुद पा लेती हैं हमारी कलम से, अपने द्वारा उनके वो शब्द संयोजन, भाव संयोजन हमारे से जुड़ते चले जाते हैं। वो तो चाहे हम लोग अपनी बात को थोड़ा अंतिम पड़ाव पर ले जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे सीधा और तीखा क्वेश्चन कहूँगा कि आज की लेखिकाओं के समक्ष, खास करके लेखिकाओं के समक्ष, और आप तो खैर समष्टि की बात करते हैं, आप सिर्फ लेखिका नहीं, मतलब नए रचनाकारों के सामने चुनौतियाँ क्या है, क्या चुनौतियाँ हैं? चुनौतियों से भी परे एक मैं भटकाव ही पूछूंगा। हाँ, ये पहले भटकाव ही है, वो चुनौतियाँ समझ नहीं पा रहे हैं। नए रचनाकार जो हैं वो वैयक्तिक भाव से जो लिख रहे हैं, मैं सभी को नहीं, बिल्कुल सभी के लिए बातें नहीं हैं, लेकिन उनसे ये मेरा सादा निवेदन है कि नए रचनाकार जो हैं वो चुनौतियाँ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ने की बात ही छोड़ दी है। उन्होंने सीधा सीधा एक सीधी सी एक पंक्ति पकड़ रखी है कि अगर हम पढ़ें
तो हमारा जो बायस्ड हो जाएगा उसमें उनकी बातें आ जाएंगी, ऐसा कहाँ होता है? तो ये वो चुनौतियाँ समझ ही नहीं पा रहे। बड़े रचनाकार तो कहते ही हैं कि पढ़िए, पढ़ना चाहिए। बड़े रचनाकार नहीं, मैं समझती हूँ कि पहले पहले पढ़ने की बात नहीं, भावनाएं पढ़ने की दरकार नहीं रखती, लेकिन जब आप पुस्तक रूप में आ रहे हैं, आप कुछ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्यापक दृष्टिकोण होना है, और ये व्यापक दृष्टिकोण उनके सामने एक चुनौती है जिसे वो समझ भी नहीं पा रहे। स्वीकार करना तो दूर की बात है, और जो स्वीकार कर पा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। इस एज ए लेखिका और आप गृहिणी भी हैं, तो आपके सामने कोई चुनौती आई क्या? हाँ, चुनौती आप अगर अनुभव बताना चाहें तो बता सकते। देखिए, गृहिणी के लिए चुनौतियाँ हर कदम पे होती हैं, गृहिणी क्या सभी के लिए होती है, लेकिन गृहिणी के लिए मैंने परिवार को कभी अपने करियर से आगे नहीं समझा। मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती, ये मेरा जो करियर है, ये मेरा जो पैशन है, वो मेरे परिवार के लिए सजा हो जाए। मैं परिवार के लिए अपना ये सारा लेख किए, जो मेरा ये आप पैशन बोल सकते हैं, मेरा जो लिखने का है, मेरा जो पैशन है, मेरी जो लेखनी है, वो मेरे परिवार के लिए सजा हो जाए, मैं कभी नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया, और गृहिणी के साथ साथ, माँ के साथ साथ मैं इसको लेकर चलती हूँ। लेकिन जब आप पैशन हो तो होता ना, जब आप इफ़ यू आर इन लव विद समवन, आप छुपके मिलना सीख लेते हैं। अच्छा, आप छुपके बातें करना सीख, तो ये प्यार है हम लोगों का, ये लेखिकाओं का, लेखकों का प्यार है, तो हम छुपकर समय निकालना सीख लेते हैं चुनौतियों के बीच। आप इसे प्यार समझिए ना, प्रेम। अच्छा। को जीना कितना अच्छा लगता है, तो एक लेखक हमेशा प्रेम में होता है। हाँ, ये तो है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप जन सरोकार मंच के इस कार्यक्रम में आए, और आपने बहुत सारे अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे ख्याल से पाठकों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत उपयोगी बातें हैं जो आपने किया है, और नई विजन, नए तथ्य और नई शैली आप गढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और बाद के पाठकों को अच्छा लगेगा। और एक नई लेखिका, एक स्थापित लेखिका, और जो एक पहले से बना हुआ एरा है उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच के द्वारा अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे इस शर्त के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।